हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में, यानी कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सुपर बिल्टअप एरिया में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है और सुपर बिल्टअप एरिया के यूज़ क्या होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया होता क्या है। सुपर बिल्टअप एरिया वो एरिया होता है जिसमें आपका बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया, यानी कि लेफ्ट लॉबी, क्लब हाउस वगैरह, ये सब कॉमन एरिया होता है। इन दोनों को मिला के सुपर बिल्टअप एरिया बनता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका कारपेट एरिया पता होना चाहिए। आप अपने कारपेट एरिया में 25% एरिया मिलाकर अपना सुपर बिल्टअप एरिया मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सुपर बिल्टअप एरिया में आपके दो चीज़ें इंक्लूड होती है, नंबर वन आपका बिल्टअप एरिया और नंबर टू कॉमन एरिया। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। इसमें आपका टेरेस का एरिया इंक्लूड नहीं होता है और आपका ओपन एरिया जैसे कि पार्क, प्ले एरिया वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं सुपर बिल्टअप एरिया के यूज़ क्या होते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया का यूज प्रॉपर्टी को कंपेयर करने में किया जाता है, यानी अगर आपको दो प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें कारपेट एरिया दोनों का सेम है और प्राइस भी सेम है, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में सुपर बिल्टअप एरिया ज्यादा है, यानी आपको कौन सी प्रॉपर्टी में ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है और कौन कौन सी नहीं और सुपर बिल्टअप एरिया का यूज़ क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।